हेलो ठीक है वैसी आवाज सर वैसी आवाज आ रही है सर आवाज आ रही है आगे यही सर थोड़ा आगे और ये पीछे ठीक कर लो ये तो इसी पर सभी सत्कारियों पत्रकार भाइयों माइक लगा लीजिए माइक 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 अरे अरे कौन चालू कर रहा है सभी पत्रकार मित्रों आज की इस पत्रकार सभा में आप सभी का धन्यवाद है वेलकम करते हैं आप सभी को आप सभी ने यहाँ पे आकर देश विदेश में ले जाने के लिए आप यहाँ प्रस्तुत हुए हो सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन आज से नहीं शुरू हुआ 26 तारीख को एक डेट तय की गई थी लेकिन हमारा पंजाब से तो जिस दिन ये ऑर्डिनेंस के रूप में ये कानून आए हैं उसी दिन से पंजाब से ये आंदोलन खड़ा हुआ था। उससे भी पहले जैसे हमारे भाई साहब वरिष्ठ नेता किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जैसे लोग बहुत पहले से हम सब मिलकर एक बात को लेकर आंदोलन करते आ रहे थे। जब से सरकार ने WTO पर या मान लीजिए गैट पर दस्तखत किए थे भारत सरकार ने तभी से हम सब ये लोग जानते थे कि एक ना एक दिन देश के लोगों के ऊपर ये कुल्हाड़ा चलेगा जो आज चल रहा है। उसी दिन से हम सब ये एक प्रयास कर रहे थे कि देश के लोगों को कैसे जागृत किया जाए कैसे एक आंदोलन बने ताकि लोग एक जन आंदोलन बने इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो लोग और सरकारों पर हम दबाव बना सकें कि इस बहुत ही नुकसानदायक इस एग्रीमेंट से हमारी सरकार बाहर आए लेकिन नहीं हो पाया। कई तरह की हमारे भी हो सकता है कमियां कमजोरियां रही हों या हमारे जो साधन है वो हम ना जुटा पाए हों इतने बड़े देश में हम अपनी बात ले जाने में सक्षम ना हो पाए हों लेकिन अब जब सरकार ने उन्हीं की ही दिशा निर्देशों के अंदर अपना काम आगे बढ़ाते हुए ये जो अध्यादेश के रूप में जून के महीने लेकर आए ये अध्यादेश उसी दिन से हम पंजाब के लोग इस पर सतर्क होकर इसका इसको स्टडी किया स्टडी करने के बाद इस पर आंदोलन करना शुरू किया। ये ठीक है बात कि अब दूसरी स्टेट्स हैं जो देखो जिन्होंने जिन लोगों ने आंदोलन पहले करना शुरू किया है वो जागृत पहले हो गए लेकिन अब ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रहा अब पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। जैसे आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों ने जाकर पलवल में डेरा डाल रखा है वो रोड फ्लो कर रखी है यूपी से भी लोगों ने वो कर रखा है। तो ये जो हमारी इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है हम क्यों ये आंदोलन लड़ रहे हैं हमारी वजह क्या है इस आंदोलन को लड़ने के लिए क्यों हम मजबूर हो रहे हैं। देखिए ये जो अध्यादेश आए हैं अब जो कानून बन चुके हैं 3 कृषि कानून 2 कानून नए बनाए गए हैं 1 कानून में हमारी सरकार ने संशोधन किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का जो कानून था उसमें संशोधन किया 2 संशोधन किए गए हैं उस कानून में। बहुत खतरनाक बात वहां पे है ये जो तीनों कानून है ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं कि पहला कानून जब काम करता है तो किसान का आर्थिक तौर पर
लक तोड़ेगा, उसे कमजोर करेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, पहला कानून। दूसरा कानून उसको एक तरह का रोशनी की किरण दिखाएगा पहले पहले, और आगे जाकर एक नए ट्रैप में किसान को फिर फंसाएगा जो इन्होंने बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले में जब किसान फंसेगा, उससे आगे जाकर, थोड़ा समय आगे जाकर, वो भी फंसा हुआ महसूस करता हुआ हमारा किसान जब जमीन कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाएगी, तो फिर वो तीसरा कानून आएगा जिसमें संशोधन करके सरकार ने बनाया है, और वो एक इतना खतरनाक, वो केवल किसानों के लिए नहीं है, वो हर एक देश के उपभोक्ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि उसमें लोगों ने जो शक्ति थी सरकार ने, पहली सरकारों ने लगाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा की थी कि इससे ज्यादा कोई आदमी कोई अन्न भंडार नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कोई वस्तु इकट्ठी नहीं कर सकता, जगजीत जमाखोरी नहीं कर सकता, जमाखोरी के खिलाफ कानून बना हुआ था। इन्होंने संशोधन करके उनको जमाखोरी करने वालों को छूट दे रखी है, वो जितना चाहे वो अन्न भंडार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस सारी ही कहानी को देखते हुए हम लोगों ने ये थाना ये निकाला, इसमें से जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि किसान के देश के हाथों, देश के किसान के हाथों से जमीन जाएगी, जमीन जाने के बाद जमीन कॉर्पोरेट्स के हाथ में आएगी, वो भी उस जो फसल का पैदावार जमीन जिसमें जमीन में से निकालेंगे, उसका अपने मन चाहे भाव पर, उसका स्टोर करने के बाद बहुत महंगे भाव पे आप लोगों को, सभी देश को वो अन्न मुहैया करवाएंगे, वो खाने वालों को भी लूटेंगे और हमारी तो जमीन वो ले ही जाएंगे। इसके लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है, तीनों कानूनों को वापस करवाना हमारी पहली मांग है। और बहुत सारे भाइयों में ये भी बात सवाल आता है कि जो दूसरा कानून था, जो हमारी दूसरी लड़ाई है, वो है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। हम बहुत से बहुत लंबी देर से ये लड़ते आ रहे हैं कि गारंटी का कानून बने एमएसपी का, लेकिन सरकार उसे बनाने में अभी तक सरकार ने किसी तरह की कोई किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इतनी बड़ा आंदोलन हो रहा अभी, तो अब ये बात, अब ये मांग बहुत सारे भाइयों को एक तरह का भ्रम फैल जाता है कि ये मांग पीछे क्यों चली गई। पहली बात यह है कि किसान की जमीन बचेगी, जमीन किसान के पास रहेगी, तभी उसका भाव मांगने की, उसका एमएसपी की गारंटी मांगने की बात रहेगी। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो एमएसपी क्या करेगी मांगकर। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो हम बात कर दो, वो भी अब पीछे रह चुकी है हमारी। अब हमारी लड़ाई है कि किसान की होड़ को बचाना है, इसके लिए हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से, जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के भाई हमारा इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैं पहली बात ये कह चुका हूं कि भले ही ये आंदोलन लग रहा है कि पंजाब वाले ज्यादा है, पंजाबी लोग ज्यादा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये इतिहास है पंजाब हरियाणा के लोगों का। देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, तब भी उनकी जो पार्टिसिपेशन रही है वो 92% रही है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हमारे खून में है ये बात। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जिन भाइयों की ओर से, कुछ देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश से इतनी दूर जाकर जो हमारे साथी दिल्ली में बैठे हैं, सहयोग उनका भी कम नहीं, वो भी हमारा बराबर का सहयोग कर रहे हैं। हमारी सीमा करीब पड़ती है, हम ज्यादा गिनती में आ सकते हैं, ये आप दूरी दूर बैठे हो उतनी तो भारी संख्या में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंदोलन नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के लोग कहीं पीछे रह गए। पूरा देश इस आंदोलन को अपने अपने ढंग से चला रहा है। जैसे बिहार में पटना में एक रैली हुई है, सरकार को मजबूर किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, और उसकी हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निंदा भी करते हैं कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसानों को पीसफुली जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है हमारे पक्ष में।
और इधर हर सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, बिहार की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, यूपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, हरियाणा की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, ये इनका दमनकारी जो नीति है ये ज्यादा लंबी देर चलने वाली नहीं है। ये पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है, बनता जा भी रहा, पूरे देश का ही नहीं, आज वर्ल्ड में इस शांतिपूर्वक लड़े जा रहे आंदोलन को पूरे वर्ल्ड के लोगों का सहयोग मिल रहा है। और आपके माध्यम से मैं जो भी भाई हमारी इस बात को सुनेंगे, सुन रहे हैं, सभी को हमारा निवेदन है कि इस आंदोलन को, ये जन आंदोलन है, किसान और आम आदमी के जीवन का आंदोलन है, इस आंदोलन में ये बात, इस बात से ऊपर उठ करके ये किसानों का आंदोलन है ये नहीं सोचने की बात है। जो मैंने पहले कही है बात कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो, वो किसानों में कहीं कोई नुकसान नहीं करता, वो जो नुकसान करता है आम उपभोक्ताओं का करता है। और हम उसकी मांग लेकर चल रहे हैं कि उस कानून को भी, उसकी संशोधन भी वापस लिए जाए सरकार की ओर से। तो मैं इतना ही बात कहूंगा, अब आगे की बात भाई सब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगजीत सिंह धल्लेवाल जी का। और आपको मालूम ही होगा कि 2010 में आपके मध्य प्रदेश में ही भोपाल में 20-12 के नाम से आंदोलन हुआ था, जिसमें आदरणीय कक्का जी ने 15,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पूरे भोपाल को जाम कर दिया था। उसके बाद मंदसौर में 2017 में जो गोलीकांड हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई जिसमें हमारे 6 किसान भाई शहीद हुए थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे आदरणीय कक्का जी। तो अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिव कुमार कक्का जी से कि वो प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय कक्का जी, सभी पत्रकार बंधुओं और साथियों को वंदन अभिनंदन। मुझे 25 तारीख की शाम को मैं यहां से रवाना हुआ था, 35 दिन हो गए दिल्ली में, कुछ एक खास कारण से, मुझे परिवारिक कारण से एक दिन के लिए आना है, शाम को फिर वापस जा रहा। ये आंदोलन एक पूरे देश को नई दिशा दे रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज देश में लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के दौर के जो लोग हैं, बहुत बड़ी क्रांति थी वो, उस क्रांति से हम लोग बाहर निकल के आए थे। आज देश को एक बड़ी क्रांति की दरकार है जिसमें किसान, जवान, नौजवान और संविधान, ये चारों देश के जो स्तंभ है, ये आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, किसान बदहाल हैं, संविधान के बारे में बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, मीडिया से लेकर न्यायालय से लेकर तमाम चीजों की आज की स्थिति क्या है सब पूरा देश जान रहा है। एक अघोषित आपातकाल के दौर से देश गुजर रहा है। इसके बावजूद धल्लेवाल जी जैसे गंभीर, चिंतनशील, पढ़े लिखे किसान जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, और जब हमारे 7 लोगों की जो कमेटी बनी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज में, जो पूरे भारतवर्ष के 500 किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाया, और संयुक्त मोर्चा इस पूरे आंदोलन को दिशा और मार्गदर्शन कर रहा है। ये आंदोलन की खासियत है जो मैं अभी चर्चा भी कर रहा था हमारे कुछ साथियों से कि महात्मा गांधी के आंदोलन की पूरी झलक इस आंदोलन में आपको दिखाई दी। गांधी जी अंग्रेजों का अत्याचार भी सहन करते थे, अपमानित भी होते थे, उनको प्यार भी करते थे, उनसे वार्ता भी करते थे और जेल भी जाते थे। हमारे साथ भी वही है, पर हम 35 दिन तक आप सबके मार्गदर्शन में, सहयोग में, मीडिया का भरपूर सहयोग मिला है हमको इस आंदोलन चलाने में। मैं मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पूरे आंदोलन चलाने में हम अभी तक, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक रहा है, हिंसा नहीं होने दी हमने,
अनुशासन में रखा है आंदोलन को। आपको पता है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले आरोप लगाया कि ये पंजाब अकेले का है, फिर हरियाणा का है, फिर दो राज्यों का है, फिर इसमें खालिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, फिर फॉरेन फंडिंग है, और उसके बाद मुट्ठी भर किसान जो बैठे हैं सड़कों पर उनका है केवल, बाकी किसान तो हमारे साथ है। कुछ दरबारी सरकारी फर्जी किसानों को लाके ये कहलवाया जा रहा था कि ये हम इस अध्यादेश को पसंद करते हैं, अध्यादेश बहुत अच्छा है। इस सारी बाधाओं को हमने पार किया है। सरकार कितनी संवेदनशील है ये इस बात से आप जान सकते हैं कि 2 डिग्री में कल टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, ट्रालियों में किसान 35 दिन से सो रहा है कड़कती ठंड में। अभी तक 50 किसान हमारे शहीद हो गए, ये आंदोलन की भेंट चढ़ गए 50 किसान, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 किसान हैं। इसके बावजूद भी हम वार्ता का दौर जारी रखते हैं, बड़े प्यार से सरकार बुलाती है। सरकार ने लंबा गैप दिया 15-20 दिन का, शायद 20 दिन का गैप के बाद बुलाया, 20 दिन बाद बुलाया। हम 20 दिन तक तपस्या और साधना करते रहे। सरकार ने कहा चिट्ठी भेजते हैं वो, हमने चिट्ठी का जवाब दिया, हम वार्ता को तैयार, वार्ता करेंगे, वार्ता से पीछे नहीं हट रहे, संवाद से हल निकलेगा। गांधी जी भी कहा करते थे, हम पूरी तरह गांधीवाद के रास्ते पर हैं और संवाद से हल निकालने की दिशा में हमारा काम चल रहा है। 6 महीने लगे, 1 वर्ष लगे और जितनी परीक्षा सरकार को लेना है ले ले, मगर हम अपनी 2 मांगों पर अडिग रहेंगे। वो मांगे अभी हमारी शेष, 2 मांगों पर सरकार ने कहा कि हम आदेश जारी कर देते हैं, 1-2 दिन में शायद सरकार आदेश जारी करेगी। सरकार ने कल कहा कि हम आपके लंगर में भोजन करना चाहते हैं, 4 मंत्री थे हम कहा भोजन करिए लंगर में, और 5 बजे के आसपास एक टी ब्रेक होता है बैठक का, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी चाय अभी तक आपने नहीं पी है, स्वीकार नहीं की है, आज चाय पिएंगे आपकी चाय, वो भी हमारी है, सरकार की चाय हमारी है, सरकार हमारी है। बाहरी ताकतों ने समर्थन दिया, उनका हमने धन्यवाद किया, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत देशों ने पत्र भी लिखे, मैसेज भी दिया, वहां के राष्ट्रपतियों ने भी कहा कि हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर खड़ा हुआ है। हमने उनका धन्यवाद तो दिया, मगर उनसे प्रार्थना भी की हम, ये हमारे घर का मामला है, ये भारत का मामला, हमारी सरकार है, हम भारत के लोग हैं, हम अपना घर का मामला हम घर में ही सुलझाएंगे, किसी बाहरी देश का इसमें दखल हमको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले राष्ट्रवादी है। उनका हमने धन्यवाद दिया, जो हमारे भारत के लोग विदेशों में हैं, कोई किसी का लड़का है, बेटा है, बेटी है, 4 लाख के 4 लाख स्वेटर जर्सी एक बिटिया ने भेजी वहां से कनाडा से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा पिता धरने पर बैठा हुआ है ठंड में। पंजाब का लगभग आधा पंजाब विदेशों में रहता है, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, अगर वो हमारी मदद करते हैं तो उसको फॉरेन फंडिंग मत करना मत दीजिए। सारी बाधाएं हम झेलते रहे, आज ये बात कहने में कहीं वो संकोच नहीं है कि लंगर जो व्यवस्था है आंदोलन की सबसे मजबूत, जब हमारा लंगर है। मध्य प्रदेश की मीडिया के कुछ साथी मेरे फोन करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं क्या हो रहा है, आप तो दिल्ली में बैठे। तो हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये हमने तय किया था कि हमको दिल्ली घेरना है, राजधानी में जो कार्यक्रम होंगे वो बताएंगे। मध्य प्रदेश की जो रास्ता है वो दिल्ली आगरा रोड है, 3 जगह हमारी ट्रालियों को रोका, 4थी जगह पलवल पर हम लोग धरना लगा के बैठ गए, हजारों किसान वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश के नाम पर एक सड़क है आज, जिस 3 सड़कें रोकी गई दिल्ली को जाने वाली, एक सड़क दिल्ली आगरा
पलवल के एकदम 5 किलोमीटर पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उसी दिन से और सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली में जाके तारीख 26 को गिरफ्तारी की थी, चकाजाम दिल्ली की सड़क पे किया था। अगले दिन संसद में के सामने जाके निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन भी हम ही ने किया था, सारे अखबारों में छापा था। तो मध्य प्रदेश की भूमिका कमजोर नहीं है। जो भाई साहब ने कहा कि बात सही है कि दूरी बहुत ज्यादा है, 800-900-1000 किलोमीटर की दूरी ट्रैक्टर से तय नहीं हो सकती है और ट्रेन नहीं है। और ये सरकार जो मध्य प्रदेश की है इसका फरमान है कि 50 किसान एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कौन सा किसान इकट्ठे नहीं हो सकते? वो कार्यक्रम करेंगे तो किसान इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में नहीं हो सकते। कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी बीच में किया था, संगठनों के कार्यकर्ता थे। तो बंधु ये आंदोलन बिल्कुल गांधीवाद की झलक पर है। गांधी जी भी वार्ता करते थे, जेल जाते थे, अंग्रेजों को प्यार भी करते थे और संवाद भी चलता था। ये पूरी तरीके से गांधीवाद का आंदोलन है, पूरी तरह है, अभी तक अहिंसात्मक रहा है, आगे भी रहेगा। हमारी तैयारी बहुत लंबी है और तैयारी हमारी लंबी है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये आंदोलन किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, आंदोलन और तेज होगा। कल जो वार्ता हुई है जिस तरह कुछ साथी मुझसे पूछ रहे थे, तो वार्ता में यह है कि सरकार ने कहा कि हम 2 आदेश जारी करते हैं। हमका ठीक है, स्वागत है आपका। बाकी दो जो हमारे मेजर इशू है उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि कमेटी बना देते, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं थी। कल बैठक दिल्ली में पूरे संगठनों के लोगों के साथ होगी, चर्चा करेंगे, पर जब तक ये आदेश नहीं होगा आंदोलन वापस नहीं होगा। ये राय बहुत स्पष्ट है हमारी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है, एक जन आंदोलन बन गया है आज की तारीख में। ऐसे ऐसे संगठन हमारे समर्थन में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के धरने पर हमारे को रोटी की समस्या थी, तो एक बड़ी मशीन जो 1 घंटे में 2000 रोटी बनाती है, पंजाब से हमारे धरने पर मशीन उसी दिन से आ गई है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो ग्वालियर का है वो 5 से 10 हजार लोगों का भोजन पर डे करवा रहे हो। राशन इतना आ चुका है हमारे पास जन सहयोग से कि हमको गोडाउन किराए से लेना पड़ी है। पंजाब से टेंट आ गए हैं, 0 डिग्री पर जो टेंट होते हैं जिसमें 0 डिग्री पर भी आदमी रह सकता है, वैसे टेंट आ चुके हैं। दिन भर वहां धरने पर व्याख्यान चलता रहता है और आंदोलन बहुत अच्छी गति से चल रहा है। हम लोग भी बहुत बड़े मन से सरकार पर विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात पर ध्यान देगी। नरेंद्र तोमर जी चूंकि मध्य प्रदेश की है, कृषि मंत्री हैं, ग्वालियर से हैं, पूर्व का अनुभव है कि वो काफी चतुर हैं और सूझबूझ से काम लेते हैं, पर ऐसा लगता है कि कुछ सीमा है। जब भी हमने मध्यप्रदेश में आंदोलन किए हैं उन्होंने आंदोलनों का स्वागत किया है, तो उनके चलते कुछ हल निकलेगा, कुछ वो सरकार से भी गुजारिश करेंगे ऊपर जहां उनको करना है। और आप लोगों का सहयोग अभूतपूर्व है, आपके बगैर सहयोग के हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। हमें पता है कि आपकी मजबूरियां कितनी है, सब जानते हैं हम लोग। इस सारी मजबूरियों के बावजूद भी आपने जिस प्रकार से इस आंदोलन में सहयोग दिया है, हम आपको जरूर करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। काका जी जिस तरीके से सरकार आदरणीय जी धन्यवाद साहब और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं,
आप सबको मेरा सादर वंदन प्रणाम। वैसे तो सब कुछ विषय कक्का जी दलवाल साहब ने बताया दिया है और हम सब ने एक चीज अनुभव करी है इसमें। एक छोटा सा स्लोगन है कि सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमें परेशान बहुत किया गया है सरकार द्वारा और हम जो है विजय की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, धन्यवाद जी। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, एक दो बातें आपके आगे रखना चाहूंगा कि पहले तो मैं यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ माजा किसान संघर्ष कमेटी का, और हमें इस आईटी सेल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे इस पीसफुल एजिटेशन को जो दिल्ली में चल रहा है और उसमें सारी स्टेटों का इसमें योगदान है, और हमें पोर्ट्रेट इस तरह से किया जा रहा था जैसे हम लोग किसान नहीं हैं, हम आतंकवादी हैं, नेक्सलाइट हैं, हम खालिस्तानी हैं, हर तरह का बुरा से बुरा नाम हमें दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने ये संयुक्त किसान मोर्चे की सारी जथेबंदियों सभी यूनियन की अप्रूवल लेकर किसान आईटी सेल बनाया, किसान एकता मोर्चा, और वहाँ पर जो भी सरकार झूठ बोल रही है, जो भी मोदी जी झूठ बोलते हैं अपने संबोधन में, हर उस बात का जवाब सच्चाई के साथ दे रहे हैं, उनका काउंटर कर रहे हैं जो भी हमारे इस आंदोलन के खिलाफ गलत रूमर्स फैला रहे हैं। और आगे भी हम आप लोगों के साथ के जरिए मीडिया का बहुत इसमें हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद उनका जो हमारा वो साथ दे रहे हैं, और ऐसे ही आप आगे हमारा साथ देते रहिए ताकि हम ये सरकार की जो गलत प्रचार है उसको जवाब सच के साथ दे पाए। शुक्रिया। और जे एक बात सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई उस दिल्ली आंदोलन के बारे में जानना चाहता है, जो भी वहाँ पे लेटेस्ट चल रहा है, क्या हम आगे नीतियाँ अपना रहे हैं इस आंदोलन को सक्सेसफुल करने के लिए, हमारे जो डिजिटल फ्रंट हैं वो किसान एकता मोर्चा के नाम पे चल रहे हैं। किसान एकता मोर्चा, वहाँ पे हमारे शिव कुमार कक्का जी भी अपना संबोधन करते हैं, अभी मन्यू जी भी संबोधन करते हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी संबोधन करते हैं, ताजो बिल्कुल सही जो जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। किसान एकता मोर्चा, धन्यवाद। कक्का जी ये बात तो आप भी जानते हैं कि सरकार यानी सिर्फ और नरेंद्र मोदी जी, बातचीत भले आप लोगों की नरेंद्र तोमर जी के साथ चल रही हो मगर फैसला करने वाले प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री ने अपने 25 तारीख के स्पीच में आप लोगों के खिलाफ जो सारी बातें बोली हैं, आंदोलन के लोग के जो आप लोगों के सवाल उनका भी जवाब दिया है, और एक मिला के कुल मिला के उनका लफोलाव ये था बड़ी खिल्ली भी उड़ाई आप सबके पूरे आंदोलन की, तो क्या आप अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि सबके बावजूद आपकी जो मुख्य मांग है कि कानून वापस किया जाए हो पाएगा, जब प्रधानमंत्री आपसे खिल्ली उड़ा रहे हैं और कन्विंस नहीं आपकी बातों से? गांधी जी की खिल्ली सबने खूब उड़ाई थी, वो अपना काम करें, उनके दिमाग में जो कचरा भरा है तो क्या निकलेगा उसमें से, मगर हम अपना रुख सकारात्मक रखेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, इतने ही कहेंगे भगवान उनको सद्बुद्धि दे और लोकतंत्र में वो संविधान का सम्मान करें। बाकी हमने अपने पुरुषार्थ से हर चीज का जवाब दिया है बखूबी, और जितने भी हमने आरोप लगाए वो तो ये कह रहे हैं कि C250 हमने दे दिया, ढाई गुना दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2015 में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, उसमें भारत सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि हम C2+50 नहीं दे सकते, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, और पीएम कह रहे हैं हमने दे दिया, तो पूरा देश देख रहा है कि पीएम क्या कह रहे हैं और दिखाई क्या दे रहा है। सर इतनी बार आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई समझौता नहीं हो पा रहा, लग रहा है कि सरकार आपकी बात मानेगी, क्योंकि एक डेढ़ महीना हो चुका है आंदोलन करते हुए।
देखिए आजादी की लड़ाई सामने देख के बोलिए, आजादी की लड़ाई बहुत लंबी चली थी और हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत शहादत भी दी है। हम भी अपने किसानों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कब तक नहीं मानेगी उसका हमको इंतजार है, पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमला हम पर चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां पर व्यापारी किसानों का पैसा लेके भाग गए, होशंगाबाद से, सीहोर से, हरदा से। देखिए कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि अद्भुत है, तोहफा है किसानों के लिए। हमने कहा कि मध्य प्रदेश शासन का एक पोर्टल है ई अनुज्ञा। ई अनुज्ञा पोर्टल 6 महीने से जब ये कानून लागू हुआ है, नोटिफिकेशन इसका हुआ है, उस तारीख से लागू हुआ है, 5 जून से 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश की 70% मंडियां दफन हो गई। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में जो बरसात के बाद जींस आती है, मक्का, बाजरा, मूंग, कुछ गेहूं पिछले साल का रखा, वो ये सबके सारी जींस 50% समर्थन मूल्य से 50% कम में बिकी है। बाजरे का मूल्य है 2100, 1000 बिका है। मक्का का है 1750, 600-700-800 बिका है, 1000 तक बिक गया। तो इसके दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं कि किसान की कमर टूट गई इस कानून के 6 महीने में। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी तक 90 केसेस में लोग फरार हो गए। एक व्यापारी 5 करोड़ का माल लेके चला गया, दूसरा व्यापारी 20 लाख का माल लेके चला गया। 5 महीने से 45 किसान चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्टर एनजीए मिला के न्याय नहीं दिला पाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दुष्परिणाम है। पंजाब में पोल्ट्री फार्म वालों से कॉन्टेक्ट किया था, मैं एक नई चीज बता रहा हूं, 6 कंपनी हो रहे, वो एग्रीमेंट को देखकर, कॉन्टेक्ट को देखकर बैंकों से करोड़ों रुपए का उन्होंने लोन ले लिया, ना बैंक को दे रहे हैं और ना उनकी मुर्गे अंडे खरीद रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट फार्मिंग के दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। और पूरे देश में समर्थन मूल्य से सभी चीज 50% से नीचे बिक रहे हैं। जब इसके दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश की सरकार और दिशा ही हमारा कृषि मंत्री, जिसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि वरदान हमारे लिए। लेकिन सीएम साहब तो दावा कर रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस से ज्यादा की कीमत में बिक रहा है। तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश का और देश का पूरा हाल ही, पीएम तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री है वो तो दिन को रात भी कह सकते हैं। कक्का जी ये बताइए, इस किसान आंदोलन ने कोरोना की हवा निकाली कि नहीं निकाली? कोरोना पता नहीं कहाँ चला गया, जहाँ 30 लाख एक रोड पर जड़े हैं, एक जगह 10,000 पड़े हैं, कहीं 20,000 जड़े हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई चेकिंग सेंटर नहीं है, और कोरोना से अभी तक किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। तो कोरोना को हम पहले ही फतेह कर चुके हैं, अब ये महाकोरोना बचा है इसको भी देखें। मध्य प्रदेश के हर किसान के अंदर आग है, दूरी बहुत ज्यादा है, ट्रेनें बहुत कम है, और इसकी वजह से महामारी जैसी बीमारी में ये सरकार ने लेके आई है। सबसे बड़ा पाप तो उन्होंने ही किया है। मध्य प्रदेश के किसान पलवल पर बैठे हुए हैं, ट्रालियां हैं, सारा व्यवस्था है। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश का किसान कोई 20 दिन रुकते हैं, जत्थे के जत्थे जाते हैं, फिर चले आते हैं, आवागमन लगा है, मगर मध्य प्रदेश के किसानों की उपस्थिति, एक सड़क दिल्ली जाने वाली जहां पर भारी ट्रैफिक हो, उस सड़क को रोक के मध्य प्रदेश का किसान बैठा है, तो मध्य प्रदेश की उपस्थिति भरपूर है और प्रभावी है। कल की बैठक के बाद लगा कि सब कुछ अब आधी बातें मान ली गई हैं, मतलब थोड़ी सी 4 तारीख की मीटिंग हो और सब ठीक हो जाएगा, 5 को आप लोग घर चले जाएंगे। देखिए दो बातें हैं, पराली का मैंने बताया कि पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना, ये कोई मोहम्मद बिन तुगलक जैसा पागल आदमी ही कर सकता था, सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। गरीब किसान जिसके पास जमीन नहीं है कि 1 करोड़ की, वो कहां से देगा जुर्माना? तो ये कोई मेंटल पेशेंट की काम है। मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में गोबर हो गया सड़क पे तो किसान पे 10,000 का जुर्माना होगा ग्वालियर में। अब ये नशा ज्यादा सत्ता का हो चुका है, इसको उतारना जरूरी है, उतारेंगे तो उतारेंगे। गोबर का हो रहा है, मास्क नहीं लगाया उसका हो रहा है, सामने जुर्माने का खर्चा जरूरी है, सामने देखो। तो दूसरा हमारा बिजली का है, तो बिजली का उन्होंने 6 महीना हुआ था और दोबारा उस पर कुछ हुआ नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। ये दो छोटी छोटी मांगे सरकार ने स्वीकार की है और 2-3 दिन में आदेश जारी करेंगे, मगर मेजर मांग हमारी दो है वो वही खड़ी है। उस पर मैंने बताया भी कि सरकार ने कमेटी बनाने की पेशकश की है जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथियों के साथ। और भैया कुछ